आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में नागपुर महानगर पालिका अंतर्गत अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया था। इस वक्त कलश का पूजन कर मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी ने इस यात्रा की शुरुआत की। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश की राजधानी दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाने वाला है, जिसके तहत देश के सभी हिस्सों में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत योगदान दिया जा रहा है। और बात करें नागपुर महानगर पालिका की, तो नागपुर महानगर पालिका अंतर्गत अमृत कलश योजना का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत शहर के 10 जोन में 10 अमृत रथ घुमाए जाने वाले हैं, जहाँ की सभी के घर से एक मुट्ठी चावल और मिट्टी जमा कर यह दिल्ली अमृत वाटिका में भेजी जाने वाली है। इस कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी ने इस वक्त अभियान को खुले मन से सहयोग करने की बात कही। साथ ही साथ इस अग्रिम अभियान के तहत नागपुर शहर का नाम दिल्ली में लहराएगा, यह बात भी इस वक्त मनपा आयुक्त ने की। गौरतलब है कि इन अमृत रथों में देशभक्ति पर गीत और राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज द्वारा रचित गीतों को गाते हुए समाज प्रबोधन कर यह रथ पूरे जोन में घुमाया जाएगा। आज मेरी माटी मेरा देश ये जो उपक्रम है उसके तहत ही अमृत कलश यात्रा जो है उसके अनुसार आज पूरे शहर में 10 जोन में हमने 10 रथ जो है जो शुरू किए हैं, जो नागपुर शहर के हर एक घर में जाके वहाँ से एक मुट्ठी जो मिट्टी है या फिर चावल वो है कलेक्ट करेंगे। ये पूरे शहर का जो ये है मिट्टी जो दी है वो अमृत कलश एक प्रतीकात्मक रूप से पूरे शहर का जो है वो हम दिल्ली न्यू दिल्ली भेजेंगे, जहाँ पे अमृत वाटिका जो होने वाली है उसमें अपने शहर का योगदान जो है इस प्रकार का हमारा योगदान देंगे। तो मेरा नागपुर के सभी शहरवासियों का आह्वान है कि आप इस अमृत कलश यात्रा को जो है आप अच्छा प्रतिसाद दीजिए और अपने घर में जब भी ये रथ आए तब आप अपने घर का एक कॉन्ट्रीब्यूशन आप एक मुट्ठी मिट्टी है चावल देके दीजिए। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।